कोरोना संक्रमण के चलते राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर असमंजस में है। जून में पहले सप्ताह में शुरू होने वाली परीक्षाएं अभी होना नामुमकिन है और ऐसे में परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर मामला कमेटी के पास भेजा जा सकता है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने पहले संपन्न हो चुकी परीक्षाओं की आंसर शीट्स को जांचने की चुनौती है। कोरोना वायरस के चलते कुछ शिक्षक ये आंसर शीट्स जांचने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षाओं के बाद से ही ये जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं इनके मूल्यांकन के लिए 50 से ज्यादा शिक्षकों से उनकी स्वीकृति मांगी थी, जिसमें से आधे से भी कम लोगों ने रुचि दिखाई है। महज 20 लोगों ने यहाँ पर शुरू में कॉपी जांचने की सहमति दी। वहीं अब यूनिवर्सिटी प्रशासन कॉपियों के बंडलों को सैनिटाइज करवाकर परीक्षकों के घर भिजवा रहा है और साथ ही शिक्षकों से ये आग्रह भी किया जा रहा है कि उन्हें मूल्यांकन के दौरान आंसर शीट्स भेजने की व्यवस्था सुरक्षित दायरे में होगी। देखिए, अभी जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी कॉपियां अभी हमारे पास पड़ी थी सेलर में, उनका हमने कूलिंग कराना शुरू कर दिया है और सैनिटाइज करके जो पैकेट्स हैं वो टीचर्स को भेज रहे हैं। जब परीक्षा विभाग बात करता है शिक्षकों से, क्योंकि बंडल भेजें लौट करके आ जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है, तो भेजने से पहले ही पूछ रहे हैं कि आपको भेज दें या नहीं भेज दें। तो अभी जैसे उदाहरण के तौर पे 50 शिक्षकों को फोन किया गया तो केवल 20 ने कहा कि हमें भेज दो। एक तो डर कोरोना वायरस का है और है, और ये आपको भी विदित है कि विश्वविद्यालय शिक्षक जरा इसमें कम रुचि लेते हैं, इसलिए बाहर के जो शिक्षक हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, एफिलेटेड कॉलेजेस के, रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका